एटॉमिक पर फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद जिले के गांव कुनाल में रोडवेज की बस पर हथियार बंद युवकों ने हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर युवक फरार हो गए। कंडक्टर को बस में सवार सवारियों ने बचाया। वहीं घटना के शिकार रोडवेज बस कंडक्टर रजत कुमार ने बताया कि आज दोपहर को रोडवेज बस भूना से रतिया के लिए जा रही थी। इस दौरान गाँव कुनाल बस अड्डे के पास बस में सवारियों को उतारने के दौरान 10 से 15 युवक आए, जिनके मुंह में कपड़े बंधे हुए थे और सबने लाठी डंडे से हमला कर दिया और कैश का बैग लेकर भाग निकले। फिलहाल मामले की जानकारी रतिया थाने में दी गई है और आगे की कार्रवाई रतिया थाना पुलिस कर रही है। हमारे पास एक कॉल आई थी 112 नंबर पे, इमरजेंसी पे भी मैं रोडवेज की बस है बुना से रतिया चल रही थी। कनेक्टर के साथ कुछ लड़कों ने हाथापाई की है, मौके पहुंचे वो लड़के भाग गए, तो उनकी कुछ चोटें भी आई हैं। आगामी कार्रवाई रतिया थाना में, बस का शीशे टूटे हैं, शीशा टूटा है और कनेक्टर को चोट भी आई है। कुछ ये तो ये खुद बताएंगे क्या हुआ है। क्या बात सर, हम बुना की तरफ से आ रहे थे, जैसे हमने कुनाल अड्डे पे सवारियां उतारी तो 10 से 15 युवक आए जिन्होंने अपने मुंह कपड़े से बांध रखे थे और आते ही हमारे ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया और मेरा बैग या जो कैश का छीन ले गए और आगे से वही बैग को छोड़ के उसमें से कुछ रुपए निकाल ले गए और हमें धमकी देंगे कल आए दोबारा तो यहाँ पे जान से मार देंगे। पहले कोई मामला नहीं है यहाँ पे, 100 सवारी यहाँ किसी से पूछ सकते हो कि हमारा किसी के साथ कोई वायर विरोध नहीं है, सभी को आराम से उतारते हैं, आराम से चढ़ाते हैं। फिर भी पता नहीं वो क्या रंग जिसके कारण हमने पूछा था कोई बात है तो बताओ, सरपंच ही मौके पर था बट उन्होंने किसी की नहीं सुनी और सीता ही बोले यहाँ से बंद कर दो अपनी सेवाएं वरना हम देख लेंगे आपको। हमारे ऊपर ही देख सकते हो आप, मेरी लाठी डंडों से मिला हुआ है। ये सर पुनः से रतिया जा रही थी, बस के कोई नुकसान करें सर, लटवा के सर खाने की कोशिश की। क्या नुकसान हुआ सर? बस के दोनों फ्रंट शीशे तोड़ दिए, उन्होंने